क्या बात है जी, हमारी गाड़ी थोड़ी सी खराब हो गई, सर जी लगे हैं धक्का देने और बैटरी वैटरी देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग जी, आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हमारी है शाम की फ्लाइट, तो हमारे पास कुछ वक्त बचा है, तो हमने सोचा क्योंकि बैंकॉक में आए हैं, मसाज नहीं शॉपिंग, 2-3 घंटे हैं हमारे पास, तो 2-3 घंटे को यूज कर लेते हैं। पर निकलने से पहले आपसे पूछ लेते हैं जी, कितना हो जी? सारे बढ़िया, आपा बहुत बढ़िया, शूट बहुत ही बढ़िया रहा था। रात को जब सोए हैं उसके बाद जो थकावट के साथ नींद आई है, क्योंकि कल पूरा दिन जो हेक्टिक रहा था, उसके बाद जब आप क्रैश होते हो और अच्छा काम करने के बाद जब क्रैश होते हो, तो आपका दिल ऐसे बाग बाग यानी कि गार्डन गार्डन हो जाता है, और हम गार्डन गार्डन थे, हम खुश थे। आप लोगों ने ब्लॉग देख ही लिया होगा क्या है, और ये जो एड लोग पूछेंगे कि इंडिया में कब आएगी, इंडिया में नहीं आएगी, ये एड आएगी मेक्सिको में। जब भी आ जाएगी आपको लिंक दे दिया जाएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं, हम भी देखेंगे कैसी बनी है, क्या हमने मेहनत की है, उसमें कितना रंग आया है। पर पहले यहाँ पर रंग ले आते हैं, थोड़ा सा मॉल में जाके शॉपिंग कर लेते हैं ताकि हमारे ऊपर कुछ और रंग आ जाए। बाकी यहाँ पर आयन नहीं थी, इसलिए शर्ट पर थोड़ी सी सलवटें आपको दिखेंगी, पर कोई नहीं जी, चलता है, वट्टो वट्टी भी जिंदगी बहुत बढ़िया होती है। तो सबसे पहले पकड़नी है जी हमारे को मेट्रो, मेट्रो पकड़ के हमारे को पहुँचना है सियाम स्टेशन। वैसे सिलम स्टेशन भी है, जो 2 स्टेशन दूर है, इसलिए नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो आप पहली बार नाम सुनते हो, उसके बाद याद रखो, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है जी। तो फटाफट पहले मेट्रो पर पहुँचते हैं। पहुंच गए हैं जी, सीधा मेट्रो से निकले और दरवाजे के अंदर घुसते ही पैरागॉन सियान, और यहाँ पर तो ऐसा मतलब जन्नत वाला सीन लग रहा है, सारे ब्रांड यहीं पर हैं। अब देखते हैं जी हमारे टाइप का कुछ मिल जाए यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा हो जाए, मतलब जी शॉपिंग हो जाए थोड़ी सी, और की चाहिए सानी। फाइनली जाकर भी शॉपिंग डन होगी, और जूते जैसे कि हमारे को टेम्प्ट कर जाते हैं हमने फिर से, स्यापा इतने सारे जूते हो रखे हैं, पहनने का टाइम नहीं मिलता, फिर भी खरीदने का टेम्प्टेशन जो है वो अलग ही लेवल का हो रहा है। क्या कहते हैं, देखो आप शॉपिंग तो कर लेते हो, पर जब आप इतना खर्चा कर लेते हो तो वैट का बिल लेना ज़रूर, एयरपोर्ट पर जाते हो तो आपको आपका टैक्स वापस मिल जाता है, ये एक बेस्ट चीज़ है। क्या है कि खर्चा तो हो ही जाता है, पर टैक्स मिल जाए वापस तो थोड़ी संतुष्टि मिलती है, और वहाँ पर एयरपोर्ट को और शॉपिंग कर सकते हैं वही पैसों के साथ, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी बहुत कुछ दिख रहा है, टेम्पटिंग बहुत कुछ है, और देखते हैं जी कुछ और जो खास पसंद होएगा वही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, चुपचाप निकल जाएंगे। जब आप घूमते घूमते थक जाओ शॉपिंग करके, क्योंकि इतने बड़े मॉल हैं कि आप थक जाओगे, तो यहाँ पर आकर आप खाना खा सकते हो। बट खाने के टाइम पे सबसे सिचुएशन क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि खाना क्या है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर क्या लिखा है आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप पूछ के जो मेन्यू है कि हाँ भाई चिकन खाना है वेज खाना है, वेज वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, पर फिर भी मिल जाता है, थोड़ा सा कश्मकश मेहनत करनी पड़ती है, मिल जाता है, बट थोड़ा खा लेते हैं जिस सुबह से ऐसे ही निकले हुए सीधा शॉपिंग करने, क्योंकि भाग भाग के काम करने पड़ रहे हैं, तो चक्कर है। पर फाइनली जाकर आज शॉपिंग हुई है कि टाइम मिला थोड़ा सा, हमारे को लगा था कि मॉर्निंग की फ़्लाइट है, बट ऐसा नहीं है, ठीक हो गया कि शाम की फ़्लाइट है, थोड़ा सा वक्त मिल गया हमारे को सुकून का, नहीं तो कल का दिन भी पूरा दिन ऐसा निकला है क्या ही दस सकते हैं। बाकी नज़ारे बहुत दिए थे, सही रसी है ना, आओ बैंकॉक। मैं जानता हूँ कि आप जो देखना चाहते हैं वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, क्या ही करें, आप खुद आके अपनी नज़रों से आते हैं और फिर निकलते हैं। ये सब अभी पैकिंग करना है, मतलब रूम में पहुंचे हैं, फटाफट पैकिंग करना है, 1 घंटे का टाइम लिया है, वैसे तो चेकआउट करना था 11 बजे, पर 2 बज गए हैं यहाँ पर शॉपिंग करते करते,
तो इसलिए मैंने बोला एक घंटा थोड़ा सा लेट। बाकी हमारे सब्सक्राइबर सब जगह हैं, होटल के रिसेप्शन पे जो हैं वो भी सब्सक्राइबर अपने नेपाल से, थैंक यू उनके लिए कि उन्होंने टाइम दिया हमारे को, तो बहुत ही अच्छी बात है जी। सब्सक्राइबर सब जगह होने चाहिए ताकि खुशियाँ बांटते रहें और आराम से सुकून से आपके लिए ब्लॉग करते रहें। तो पहले पैकिंग कर लेते हैं, नहीं तो लग जाएगी ब्रे, लग ही जाएगी, वैसे ही पसीना पसीना हो गया। एसी ऑन करो भाई, एसी का रिमोट पीछे। चलो जी पैकिंग वैकिंग करके निकल गए हैं। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? माय नेम इज ओके बॉय। ओके खापुन खाप। टाइम हुआ अभी 3:30, वैसे तो हमारी 7 बजे की फ्लाइट है, बट निकल गए। वहाँ पर जाके ड्यूटी फ्री भी तो चेक करना होता है, तो समझ सकते हैं आप। फटफट पहुंचते हैं, पहले ड्यूटी फ्री का सामान लेना जरूरी है। क्या बात है जी, हमारी गाड़ी थोड़ी सी खराब हो गई, सर जी लगे हैं धक्का देने और अकेले ही धक्का दे रहे हैं, गाड़ी को चला रहे हैं। इतनी प्यारी सड़क होगी, सोचो कि धक्का भी नहीं देना पड़ रहा, सिर्फ चल रही है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं उतर जाता हूँ, नहीं नहीं मैं साइड में लगा के इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या बात है, कुछ कर रहे हैं जी, एक बैटरी वैटरी देख रहे हैं, आगे रिस्क ना हो जाए। चलो जी हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी, स्ट्रॉन्ग मैन ब्रो। हो गई जी, हमारे को पता नहीं, फाइनली बंदा थक गया हमारा। हेलो के मैन, लो बैटरी, ओके ओके, बैटरी चार्ज हो गई है, लो बैटरी था, अब जा रहे हैं हम फाइनली। टेंशन हो गया था, हम इतने ट्रैफिक में फंसे हुए थे, फटाफट धक्का मार के निकाला हमने। वेरी गुड, थैंक यू खापुन खाप। चलिए जी सामान हो गया, टैक्सी हो गई, बाय बाय टाटा टाटा। ले हमारे को लेना है जी वैट रिफंड, वैट रिफंड। सब चीज़ें क्लियर होगी जी फाइनली जाके, और आज चेकिंग में टाइम नहीं लगा कुछ, 4 डब्बों में हमने अपना सामान रखा अलग अलग करके। पानी लेके जाना अलाउड नहीं था यहाँ पर बाकी चीज़ें सॉर्टेड हो गई हैं, इमिग्रेशन हो गया हमारा। इतना टाइम नहीं लगता जितना मेरे को लगता है इंडिया में, जब हम इमिग्रेशन कराते हैं ना तो ऐसे धक धक हो रही होती है, पर बाहर से जब मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ तो मेरे को लगता है ऐसे फट से काम हो जाता है। उन जाके थोड़ी खान पीन का इंतजाम करिए, शॉपिंग वॉपिंग देख लिए, दारू उधर ठेका कितने फिर, ड्यूटी फ्री दारू कितने कितने फिर, दारू ही दारू है जी, दारू के हवाई जहाज बना रखे यार, कितना रब्बा इन्ना माल किधरों ले आके छड़े थे। दारू मिल गई जी, दारू दारू का काम खत्म हो गया, पर आपसे एक दिल की बात करते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कसम कि अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो प्लीज़ अपने आप को कहीं पर भी अपनी लोकेशन मत शेयर करो, नहीं तो इतनी लंबी लिस्ट पहुंच जाएगी रिश्तेदारों की, दोस्तों की, कि मेरे लिए ये लेते हो ना। अगर दुबई जा रहे हो फिर तो फ़ोन का पक्का है, 20 फोन आएंगे, सगे भाई बन जाएंगे, सगे रिश्तेदार बन जाएंगे, पर कुछ कर नहीं सकते जी, मजबूरी है हमारी, हम सोशल मीडिया वाले हैं इसलिए हमारे को डालना पड़ता है, जो भी है थोड़ा सा समझ लेना। और फिर जब सामान नहीं मिलेगा और कोई नाराज़ हो गया तो वो भी आपकी गलती होएगी कि आप विदेश क्यों गए और उनका सामान क्यों नहीं ला पाए, तो ये एक चीज़ है। खापुन खापुन का थैंक यू भैया। एक भारी ब्लंडर हो गया, हम रिकॉर्डिंग भी लिखा हुआ आ रहा है इसमें, अच्छा भारी ब्लंडर हो गया, हमको लगा कि ड्यूटी फ्री और सारा सामान उसी साइड में यानी कि दूसरी साइड में मिलेगा, पर रास्ते में जिस तरफ आपका गेट होता है उस तरफ आपको वैट टैक्स का ऑप्शन मिलता रहेगा, यानी कि जितनी तरफ आते जाओगे ड्यूटी फ्री सारा सामान सेम के सेम ऑप्शन आपको दूसरी तरफ भी मिलते रहेंगे। तो मोस्टली ट्राई कीजिएगा अपनी गेट की तरफ चलो, क्योंकि हम दूसरी तरफ चले गए तो चलते चलते आधा घंटा लग गया हमारे को पहुँचते पहुँचते, फाइनली पहुँच गए हैं, पर हमारे को आते हुए ऐसा लग रहा है कि यार ये तो वैट टैक्स यहाँ पर भी मिल जाता है, ये ड्यूटी फ्री दारू यहाँ पर भी मिल जाती है, ये सब खाने पीने का सामान पूरे रास्ते में था जो हमारे गेट के पास था, पर हम रास्ता जरा से भटक गए थे, इसलिए आपको आगाह कर रहे हैं कि आप अपने रास्ते पर चलते रहिए, रास्ते में रुकावटें आएंगी तो रुक जाइएगा, यही अच्छी बात। बाकी हवाई जहाज उड़ने वाला है, हमेशा की तरह हमारे हाथ में आ गई है जी हमारी विंडो सीट। टाइम हो गया जी 8 बज गए जी, 8 कब पहुँचेंगे कब उड़ेंगे देखते हैं जी। वैसे जब से आए हैं बैंकॉक में सिर्फ भाग ही रहे, काम काम कर काम, अभी बाहर का भी नहीं दिखा सकते, इस पर भी धुंध आई हुई है, कुछ नहीं कर सकते। तो यही है जी नज़ारे में, रात का नज़ारा, मुंबई पहुंच गए जी, ये रिचुअल निभाते हुए मुंबई की गलियों में आपका स्वागत है जी। मौसम का हाल वैसा का वैसा ही है जैसे छोड़ के गए थे, वही बारिश की बारिश। अपने देश की मिट्टी की बात क्या है, ऐसे खुशबू आ रही है, पता नहीं मेरा नाक बंद है या खुशबू अलग ही आ रही है, पर फुल एक्साइटेड है, फटाफट इमिग्रेशन कर लेते हैं यार। सर जी हम कहाँ पहुँच गए हैं? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या बात है, मुंबई में क्या फेमस है? वड़ा पाव। वड़ा पाव कहाँ पर सबसे अच्छा मिलेगा? बॉम्बे सेंटर। आप स्कूल में बंक कर करके कहाँ जाते होते थे?
सर जी टेंशन में आ गए, सर जी कह रहे हमारे को भी ब्लॉग मिलो। तो मैंने कहा अच्छा तो हम कहाँ पहुँच गए पूछ लेते हैं। तो अब अभी तक आपने बताया नहीं वड़ा पाव कहाँ का फेमस है, ताकि हम वहाँ पर जाके खा के आए। घाटकोपर में भाव का वड़ा पाव। भाव का वड़ा पाव ठीक है, चलो मिलते। कैसा लगता है आपको मुंबई का मौसम, बढ़िया हो गया? चलो सही है, मिलते हैं फिर। ठीक है बाय बाय। सामान वामान पहुँच गया जी, अब सीधा बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के ऑटो लेंगे और घर पर जाएंगे। मतलब सब इमिग्रेशन जल्दी हो गया, टाइम नहीं लगा क्योंकि हम आराम से ही उठे क्योंकि पीछे पीछे की सीट थी। बट अब निकलते हैं और बाहर देखते हैं जी बाहर जाके मौसम कैसा, और घर पर पहुँचने का जो फील होएगा वो तो घर पहुँच के ही बताएँगे आपको। वापस पहुँच गए जी अपनी दुनिया में, और दुनिया में पहुँच के जो सुकून मिला है, मतलब इतनी देर से आधी नींद में आधे जगे हुए बस भाग ही रहे थे। मतलब ये 3 दिन जो बैंकॉक के रहे हैं ये बहुत ही ऐसा मतलब भाग दौड़ वाले रहे हैं। एक बार सोचा भी था कि रुकते हैं और रुक कर कुछ एक्सप्लोर करते हैं, पर वो हेक्टिक हो जाता क्योंकि पूरा माइंडसेट जो था वो शूट की तरफ था, और शूट ख़त्म होते ही ऐसे रब रखा होया साडा। पर अब घर पर पहुँचा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। जो 1-2 साल से हम घूम रहे थे और ज़िंदगी ऐसे सड़कों पर थी, अब जब घर पर आता तो वो वाला सुकून कहीं ना कहीं मिलता है। और जब मैं ऑटो में बैठा था तो मैं इस दुनिया को जो बनाया ना इसको बहुत मिस कर रहा था, पर अब जब मैं पहुंच के ऐसे देखा हूँ ना तो वो होम स्वीट होम वाली फीलिंग है। तो थैंक यू जी, आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हो। पसंद आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत ज़रूरी काम है वो भी, और खुद भी कर रहे हो तो किसी और से भी करवा देना। तो ठीक है जी, हम तुम आपका ख्याल रखो, असी आपका ख्याल रखेंगे। चंगा फिर, रब रखा जी। शर्ट वर्ट पहन के बहुत ही ऐसे कसे कसे भाग रहे हैं, चेंज करेंगे और सो जाएंगे। धन्यवाद।